वेलकम दोस्तों, उम्मीद है आप खुरिया से होंगे। आपको पहले भी इसी तरह की वापडा नहर की वीडियो दिखाई थी और अब आपको दोबारा एक और वीडियो दिखाते हैं जो उसके साथ ही दूसरी एक लिंक नहर निकल रही है थाल कैनाल के नाम से। वो परवेज मुशर्रफ दौर में एक थाल कैनाल का नाम दिया गया था उसको, वो नहर बनाई गई थी। वो अभी सामने आओ दिखाते हैं आपको। ये देखेंगे ये नहर है, इसको थाल कैनाल का नाम दिया गया है। ये वापडा नहर से निकलती है, ये अभी बंद पड़ी है। इसको ज़रूरत के वक्त तो पानी इसमें छोड़ा जाता है, तो अभी पानी तो इसमें खड़ा तो आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा चल रहा है। देखें ये थोड़ा थोड़ा पानी चल भी रहा है। तो इसमें मवेशी देखिए अंदर इसके, ये भी अमकाना पान देखिए इन लोगों का, ये पानी के अंदर मवेशी उन्होंने छोड़ रखे हैं। तो ये सब उसके अंदर घास उगी हुई है। ये देखें ये पानी सामने नज़र आ रहा है, ये भी एक नहर है। तो ये कभी कभी चलती है। वो देखें पानी में सामने भैंस के तैरने का मंजर, ये देखें वो सामने आपको नज़र आ रही है। उसके ऊपर देखें कुछ परिंदे भी बैठे हैं जो आपको शायद इधर से नज़र ना भी आए क्योंकि आगे सूरज है। तो हम साइड भी उसी पर खड़े हैं क्योंकि दूसरी साइड पर सफ़र काफ़ी है तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सफ़र करने। तो ये उस बड़ी वापडा नहर से एक निकल रही है छोटी नहर। तो पीछे आपको दिखाते हैं जहाँ से ये थाल कैनाल निकल रही है। ये सामने ये देखिए, ये पीछे बहुत बड़ा पानी है, ये थाल कैनाल का पानी उन्होंने रोका हुआ है बिल्कुल। ये परवेज मुशर्रफ दौर की थी जिसका परवेज मुशर्रफ साहब ने इफ्तिताह किया था। गलबन कौन सा दिन था यार, वो साल था पैद भाई? भाई मुझे तो याद नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पे खुद आए थे वो। हाँ हाँ, परवेज मुशर्रफ साहब खुद आए थे, इसी नहर का इफ्तिताह किया था। तो ये आगे बहुत बड़े इलाके को सैराब करती है। ये हमारा दोस्त है जो हमारे साथ कार ड्राइविंग कर रहा है, तो अभी इसने गाड़ी बहुत लड़ाई थी, पानी का मुआयना कर रहा है, लेकिन इसको अभी ये भी पानी का मुआयना कर रहा है। रहा होगा गहराई कितनी है, कितनी गहराई है बस उसके अंदर। मेरे ख्याल से पूछते हैं इसको कैसा लग रहा है पानी, देख कितना गहरा है। रमजान भाई इसकी कितनी गहराई है? बहुत गहराई है इसमें, तो तकरीबन होगा 70 फुट 80 फुट गहराई है इसकी। 70-80 फुट होगा इसका। इसी नहर का इफ्तिताह किया था ना परवेज मुशर्रफ? हाँ, मुशर्रफ ने इफ्तिताह किया था 2000। कौन सा सन होगा कोई याद है? 2005 में किया था। 2005 था गालबन, याद नहीं है। परवेज मुशर्रफ दौर के दौर में इफ्तिताह हुआ था, तो उन्होंने एक अच्छा मंसूबा बना के दिया था कि आगे पूरा थल जो है ना वो पूरा बरानी एरिया है तकरीबन, वो शराब होता है। अभी तो ये बंद पड़ा है, ये तो सब हुकूमतों की मेहरबानी है जो कुछ भी है। सिंध वाले बोलते हैं इसको बंद कर दे, ये किसी काम। चलो चले, मेरे ख्याल से गर्मी काफ़ी है। हाँ गर्मी है काफ़ी। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो इस तरह की हम पेश करते रहेंगे। हमारी वीडियो देखते रहिए हमेशा, इंशाल्लाह हम आपको और वीडियो भी इसी तरह की दिखाएंगे। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इस तरह के टॉपिक पे आपको बनाकर पेश करें। ठीक है मेरे ख्याल से जल्द भाई चले चलते, अल्लाह हाफिज़।